नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर के जनकगंज क्षेत्र में 1.5 साल पहले हुई गोलीबारी करने वाले गुंडों को पुलिस ने धौलपुर से पकड़ा है। दोनों लंबे समय से फरार चल रहे थे। पुलिस ने कई बार दबिश दी लेकिन हाथ नहीं आए। अब मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपियों को दबोच लिया है। दोनों पर पहले से ही कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। आपको बता दें कि आरोपियों में अपने दोस्त रोहित सिकरवार और अभिषेक के साथ मिलकर गोलीबारी की थी। इसके बाद रोहित को पकड़ लिया गया था लेकिन नीरज और गुड्डू फरार चल रहे थे। पुलिस ने इन्हें भी पकड़ लिया है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुट गई है। जनकगंज थाना अंतर्गत मई 2023 में एक घटना हुई थी जिसमें एक युवक पर पैसों के लेन देन के विवाद पर 3 युवकों द्वारा फायरिंग की गई थी। इसमें कुल 4 युवक पुलिस ने नामजद किए थे और 1 युवक को तत् समय गिरफ्तार किया गया था। हवाई फायरिंग की गई थी जिस पर से 336 की धारा में FIR पंजीबद्ध की गई थी और कुंवर बाबा मंदिर लक्ष्मीगंज के पास एक घटना उक्त कारित की गई थी जिसमें 2 आरोपियों की पुलिस को लोकेशन मिली और उस 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है और दोनों को पुलिस ने थाना जनकगंज पुलिस ने सराहनीय कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया। क्या कोई बैकग्राउंड वगैरह नहीं? अभी इनका आपराधिक रिकॉर्ड पुलिस चेक करवा रही है और किन मामलों में फरार रहे हैं और कब से इनका मूवमेंट शहर में नहीं था और किन लोगों ने इनको आश्रय दिया है, इस चीज की पूरी जांच की जा रही है। अभी एक साथी पूल में गिरफ्तार हुआ था। कुल 4 लोगों के द्वारा एक युवक पर फायरिंग की गई थी पैसों के लेन देन पर, जिसमें 1 युवक अभी और फरार चल रहा है। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।